I don't know about him, you think? I haven't heard things. You shouldn't believe all you hear. Been told, warned, will not live here three months. But I know what there is to know, and you're not know to go back there. What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg? And he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things.

तुम्हें लगता है कि मैं उनको जानती नहीं हूं तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने उनके बारे में कुछ सुना नहीं है हर्ड थिंग्स का मतलब है हर्ड का मतलब है सुनना थिंग्स यानी कि चीजें जेरी यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर आप जो सब सुनते हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए मदर बीन टोल्ड वॉन्ड मुझे उनके बारे में बताया गया है बल्कि मुझे वॉन्ट किया गया है यानी कि सचेत किया गया है We've not lived here थ्री months, but I know what there is to know, and you're not to go back there. हमें यहां रहते हुए तीन महीने भी नहीं हुए हैं लेकिन मैं वो जानती हूं जो मुझे जानना चाहिए और तुम वहां पर नहीं जा रहे हो वापस टेरी कहता है वॉट आई यू फ्रीड ऑफ आप किस बात से डरते हो वॉट डू यू थिंक ही इज आप क्या सोचते हो कौन है वो एन ओल्ड मैन विदिन लेग वो एक बहुत ही बूढ़ी व्यक्ति हैं और उनकी एक टांग नकली है टिन की बनी हुई है एंड ही लिव्स इन अ हाउस विदाउट एंड हैज गार्डन और वो एक बहुत ही बड़े घर में रहते हैं जिसमें कोई पर्दे नहीं है और उसमें एक बाग भी है ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा विदाउट यानी के बिना कर्टन तो आपको याद ही होगा पर्दे एंड आई वॉन्ट टू बी देर और मैं वहां पे जाना चाहता हूं एंड सिर्ट देर मैं वहां पे बैठना चाहता हूं लिसन लिसन टू थिंग्स, एंड लुक। मैं वहां पर बैठ कर चीजें सुनना चाहता हूं सुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं मदर लिसन टू वॉट क्या सुनना चाहते हो तुम डेरी, बी सिंगिंग हिम टॉकिंग मधुमक्खियों का गाना उनका बातें करना सिंगिंग यानी के गाना गाना टॉकिंग यानी के बातें करना मदर एंड वॉट्स ही गोट टू से टू यू और उनके पास तुम्हें कहने के लिए क्या है डेरी थिंग्स दैट मैटर थिंग्स नोबडी हैज एवर सेड थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट वो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है जो जरूरी है ऐसी चीजें जो किसी ने मुझे कभी भी नहीं कही ऐसी चीजें ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं नोबडी यानी कि कोई भी एवर यानी कभी मधर तेन यू स्टे हियर एंड डू यूर थिंकिंग यू बेस्ट ऑफ योर

And I'm going back there, only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I'm going. You'll stop here. Oh no, oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. And I want the world, I want it, I want it. Derry says, I hate it here. Se hai. Mother, You can't हेल्प द थिंग्स यू से आई forgive यू मुझे मालूम है तुम्हारी हालत क्या है तुम अपने आप को ऐसी बातें कहने से नहीं रोक सकते मैं तुम्हें माफ करती हूं forgive का मतलब माफ करना कांट हेल्प का मतलब अपने आप को रोक ना पाना इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड देम आई डोंट ब्लेम यू जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके कारण तो तुम बुरा बुरा महसूस करोगे ही और बुरी बुरी बातें भी कहोगे मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करती ब्लेम यानी दोष देना मैं तुम्हें इसका दोष नहीं देती डेडी इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक मैं जो महसूस कर रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं उसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है मैं कैसा दिखता हूं इससे कोई लेना देना नहीं है गॉट नथिंग टू डू विद का मतलब है कोई लेना देना नहीं होना फेस तो आप समझ गए होंगे चेहरा लुक लाइक like का मतलब है कैसा दिखता हूं आई डोंट केयर अबाउट दैट मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट और यह महत्वपूर्ण भी नहीं इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण या फिर जरूरी इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर जरूरी यह है कि मैं कैसा सोचता हूं कैसा महसूस करता हूं क्या देखना चाहता हूं क्या जानना चाहता हूं और क्या सुनना चाहता हूं थिंक यानी सोचना फील यानी कि महसूस करना सी तो आप जानते हैं देखना फाइंड आउट यानी के पता करना या फिर जानना हियर यानी सुनना, आई एम गोइंग बैक पर वापस जा रहा हूं ओनली टू हेल्प हेम विद्रैब एपल्स क्योंकि उन्हें पेड़ से क्रैब एपल्स उतारने हैं तो उसमें मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन वहां जाकर के मैं चीजों को देखूंगा और सुनूंगा बट आई एम गोइंग लेकिन मैं जा रहा हूं मदर यू स्टॉप योर तुम यहीं पर रुकोगे डेरी ओ नो ओ नो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देर आई नेवर गो एनीर इन दिस वर्ल्ड नहीं नहीं अगर मैं वहां वापस नहीं गया ना तो मैं दुनिया में कहीं पर भी कभी भी नहीं जाऊंगा द डोर स्लैम्स दरवाजा जोर से बंद होता है डेरी डांस पैंटिंग डेरी दौड़ना शुरू कर देता है हाफते हुए पैंटिंग का मतलब है हाफना and i want the world i want it i want it aur mujhe sari duniya chahiye mujhe chahiye the sound of his panting fades aur dheere dheere uske ki dur ho scene 3 mr lamb's garden garden sounds the noise of a branch shifting apples thumping down the branch shifting again steady that's got it that's it. And again, that's it. And. A creak, a crash, the ladder falls back. Mr. Lamb with it. A thump. The branch swishes back, creaks, then silence. Derry opens the garden gate, still panting. You see, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said. बट आई केम बैक आई वॉन्टेड मिस्टर लैम मिस्टर यूर मिस्टर लाम इट्स ऑल राइट यू फेल एंड योर मिस्टर लांड इट्स ऑल राइट आई केम बैक ले मी लां आई डेड कम बैक सीन थ्री मिस्टर लाम्स गार्डन और सीन थ्री जो है मिस्टर लाम के गार्डन में है गार्डन साउंड बाग में आवाजें आ रही हैं द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन आवाजें आ रही हैं। टहनियों के सरसराने की टहनियों के हिलने की सेबों के गिरने की थम्पिंग डाउन का मतलब है थम्पिंग डाउन का मतलब है आवाज करते हुए गिर जाना द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन दोबारा से टहनी के सरकने की मिस्टर लैम्प सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं और वो सेब उतारने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से बात करते हुए स्टडी दैट सेट गॉड एट दैट सेट वो संभलकर, ठीक है ठीक है मिल गया अच्छा ठीक है वो रहा ऐसे करके वो अपने आप से बातें करते हैं और सेब उतारने की कोशिश करते हैं एंड अगेन दैट्स इट हाँ, फिर से ये रहा और अ क्रैश द लैडर फॉल्स बैक मिस्टर लैम विद एकदम से कुछ चीज चरमराने की आवाज आती है क्रिक या यानी की कोई चीज टूटना या चरमराना क्रैश क्रैश यानी एकदम से कोई चीज टूटने की आवाज आना द जो सीढ़ी है वो पीछे की तरफ गिर पड़ती है मिस्टर लैम्प विम्प उस सीढ़ी के साथ साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं अथम्प जोर की आवाज आती है द ब्रांच स्विशेस बैक जो टहनी है वो वापस आवाज करते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती है टूटती है देन साइलेंस उसके बाद एकदम शांति है डेरी ओपन द गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग डेरी गार्डन का गेट खोलता है अभी भी हाफते हुए डेरी यू सी यू सी आई केम बैक आपने देखा आपने देखा मैं वापस आ गया यू सेड आई वुडेंट आपने कहा था ना कि मैं वापस नहीं आऊंगा एंड बेसेट उन्होंने भी कहा था नहीं जाना है बट आई केम बैक लेकिन मैं वापस आ गया आई वॉन्टेड मैं चाहता था ये सब बातें कहते हुए वो मिस्टर लैम्प की तरफ बढ़ता है मिस्टर लैम्प धरती पर पड़े हुए हैं ही स्टॉप्स डेड साइलेंस वो एकदम रुक जाता है स्टॉप्स डेड का मतलब है ठिटक जाना ठिटक के रुक जाना और दोबारा से शांति हो जाती है मिस्टर लैम्प वो मिस्टर लैम्प को आवाजें देता है मिस्टर लैम्प मिस्टर यू आर आप ही रंस थ्रू द ग्रास स्टॉप्स अनिल्स, वो घास में से दौड़ के जाता है रुकता है और घुटनों के बल बैठ जाता है मिस्टर लैंप, इट्स ऑल राइट यू फेल आई एम हियर। मिस्टर लैंप, सब ठीक है आप गिर पड़े थे मैं यहीं पर हूं इट्स ऑल राइट सब ठीक है आई केम बैक बैक मैं वापस आ गया लेलाम Lam. मैं वापस आ गया आप वापस आ जाओ और ये कहते हुए डेरी बिगेन्स टू वी और ये कहते हुए डैरी रोने लग जाता है वीप का मतलब है रोना तो ये इस कहानी का अंत हुआ आशा करते हैं आपको यह नाटक अच्छा लगा होगा धन्यवाद